आप देख रहे हैं TNB। आज दिल्ली का कोई हेल्पलाइन नंबर आप जानते हैं? जितने MLA पार्षदों पे आरोप है, आखिर रास्ते में उनकी पार्टी में वो क्यों है? गीता रावत आखिर CBI के हाथों क्यों पकड़ी गई? क्या अरविंद को नहीं पता था? जो राघव चड्ढा जिसको आज राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया गया है, उस पर जल बोर्ड के गबन के आरोप हैं, उस पर पंजाब में टिकट के खरीद फरोख्त के आरोप हैं, तो ऐसे व्यक्ति को प्रमोशन देकर के कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को और बढ़ाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। जिस तरह से केवल प्रचार प्रसार में बातें चल रही हैं, ये सिद्ध हो चुका है कि दिल्ली की जनता को इसी तरह से लच्छेदार बातें की गई, विश्वास दिलाया गया, लेकिन परिणाम इसके विपरीत। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पूरी फहरिस्त जो है वो रख दी है आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन वहीं जो है केजरीवाल तो भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली को करने की बात करते हैं। मैंने आज की प्रेस वार्ता में यही प्रश्न पूछे अरविंद से, अरविंद बताएं जितने MLA पार्षदों पर आरोप हैं आखिर आज तक उनकी पार्टी में वो क्यों है? 38 से ज्यादा विधायकों पे आरोप है, उनके MLA मंत्रियों पे आरोप है, उनके उप मुख्यमंत्री पे आरोप है, उप मुख्यमंत्री की प्रिय नजदीकी पार्षद गीता रावत पे आरोप है, CBI रंगे हाथों पकड़ती है, तो आखिर पार्टी में क्यों बने हुए हैं? उनके खुद के कानून मंत्री, दो दो मंत्री आज भी विधायक के तौर पर हैं। एक मंत्री का टिकट काटा तो उसकी धर्मपत्नी को टिकट दे दिया। जितेंद्र तोमर जो कानून मंत्री थे, 420वीं का मुकदमा दर्ज है। उनके खाद्य मंत्री पे खुद आरोप है, ऑक्सीजन चोरी के, ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी के आरोप हैं। उनके भूमाफियाओं के साथ उनके खुद के गोपाल राय जो अध्यक्ष मंत्री हैं, उनके भाई पैसा वसूली करते हुए ठेकेदार खुद आरोप लगा रहा है। तो इन तमाम बातों पर वो जवाब दे। अमानतुल्लाह पर वक्फ बोर्ड के गबन का आरोप है, मुख्यमंत्री जी खुद साडू साहब पे आरोप रहे। जिस तरह से केवल प्रचार प्रसार में बातें चल रही हैं, ये सिद्ध हो चुका है कि दिल्ली की जनता को इसी तरह से लच्छेदार बातें की गई, विश्वास दिलाया गया, लेकिन परिणाम इसके विपरीत है। आज दिल्ली का कोई हेल्पलाइन नंबर आप जानते हैं? क्या दिल्ली का कोई मोबाइल नंबर जानते हैं जिस पे हम अपनी कंप्लेन कर सकें? गीता रावत आखिर CBI के हाथों क्यों पकड़ी गई? क्या अरविंद को नहीं पता था? क्या अरविंद के अंदर अपने संगठन में लोकायुक्त की बात की गई थी कि हम अपने संगठन में लोकायुक्त नियुक्त करेंगे, क्यों हटा दिया गया? क्या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा? आज तमाम पार्षद के आरोप लग रहे हैं कि पैसा लेकर के टिकट दिए जा रहे हैं। विधायक के जो टिकट बांटे गए, जो राघव चड्ढा जिसको आज राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया गया है, उस पर जल बोर्ड के गबन के आरोप हैं, उस पर पंजाब में टिकट के खरीद फरोख्त के आरोप हैं, तो ऐसे व्यक्ति को प्रमोशन देकर के कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को और बढ़ाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। सर, दिल्ली में इस समय MCD का जो मुद्दा है वो काफी गरमाया हुआ है, जहां एक तरफ BJP एकीकरण की बात कर रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी उसका विरोध कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तक आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है। देखिए, सब लोग हार के डर से इस तरह के एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। सवाल ये कि 15 साल भाजपा ने क्या किया, उसका जवाब भाजपा को देना था। 7 साल अरविंद को हो गए। अरविंद ने जो वादे 3 बार मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले मैनिफेस्टो में किए थे, उन पर जवाब देना है, चाहे वो शराब नीति का हो, बेरोजगार युवाओं की नौकरी का हो, राशन कार्ड का, नया राशन कार्ड का मसला हो, राशन कार्ड पर नाम दर्ज होने का मसला हो, या नई पेंशन का मसला हो। इस शहर को बचाने की जिम्मेवारी इन्हीं लोगों की थी। जब इनकी हार बिल्कुल सुनिश्चित हो गई थी, अपनी हार को टालने के लिए संघ के इशारे पे जो अरविंद बार बार काम करते हैं, मैं कहना चाहता हूं दोनों ने मिली भगत के साथ इन चुनाव को टालने की साजिश रची है। जब मसौदा आएगा हम उसमें भी प्रश्न पूछेंगे, लेकिन आज बड़ा प्रश्न ये है कि इस शहर को बचाने की जिम्मेवारी इन लोगों की थी। आज शहर की क्या स्थिति है, सड़कों पर आप चल नहीं सकते, ना सड़कें हैं, ना गरीब लोगों के जान झुकी वहीं मकान का जो नारा दोनों ने दिया था उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ। गरीब को राशन नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। इस शहर के अंदर केवल आप लच्छेदार बातें और प्रचार प्रसार से अपनी बात, अपनी पीठ थपथपाते हैं, ये उचित नहीं है। आपको जवाब देना था, जवाबों से आप भागे हैं, और यही कारण है कि MCD के चुनाव को टालने की साजिश। कांग्रेस की क्या तैयारी सर चल रही है MCD इलेक्शन को लेकर? हम लगातार 2 साल से सड़कों पर हैं। हमने जहां एक बार सिद्ध कर दिया जो मानवीय पहलू पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काम किया, ये दर्शाता है कि केवल चुनाव लड़ना उद्देश्य नहीं है, इस शहर और इस देश के लोगों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी आज़ादी से पहले भी काम करती थी, आज भी काम कर रही है। तो मानवीय पहलू पे कोई साथ देने वाला आया तो कांग्रेस का कार्यकर्ता नेता आया। उस समय आया जब कांग्रेस की दिल्ली में हार हुई फरवरी 2020 में, तब कांग्रेस के कार्यकर्ता मदद का हाथ बढ़ाएं, कांग्रेस की रसोई हो, मजदूरों को घर छोड़ने की बात हो, ऑक्सीजन सिलेंडर देने की बात हो, इस शहर की सफाई का मसला हो, सैनिटाइजेशन का मसला हो, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कर रहे थे। उस समय संघ कहाँ था?
उस समय आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कहाँ था। तो ये जो आप तैयारी पूछ रहे हैं, तैयारी ये सब चीजें लोग देखते हैं कि आखिर इस शहर का साथ देने वाला कौन व्यक्ति खड़ा था। राहुल गांधी सड़कों पे थे, किसान आंदोलन में राहुल गांधी पार्लियामेंट में चिल्लाते हैं, सड़क पे ट्रैक्टर चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता मुकदमे लेता है, पुलिस से FIR उनके खिलाफ दर्ज होती है। ये क्या दर्शाता है कि हमने संघर्ष किया है, 2 साल से हम सड़कों पर हैं। संगठनात्मक फेरबदल होते हैं, कार्यकर्ताओं को मौका मिलते हैं, वो निरंतर हमारा काम चलता है। तो हम अपने चाहे कांग्रेस के अधिवेशन हो, कार्यकर्ताओं की बैठक हो, निरंतर उस पर स्वाभाविक सी बात है काम जारी रहता, अभी भी जारी है। जो अच्छा काम करते हैं उनको हम प्रमोट करते हैं, उनको नए मौके देते हैं, और ऐसे बहुत सारे साथ हैं जिन्होंने कोरोना काल में काम किया और मुझे खुशी है कि वो लोग आज भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने आज सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर जो है निशाना साधा है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है पूरी एक लिस्ट जो है वो दिखा दी थी हमें कि किस तरीके से जितने भी आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, कितने लोग जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जब हमने उनसे बातचीत की तो तमाम तरीके के आरोप उन्होंने आम आदमी पार्टी पर लगाए। इसी के साथ ही MCD को लेकर भी क्या कुछ तैयारियां कांग्रेस की चल रही हैं वो भी उन्होंने हमसे साझा की। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।